चल रहे हो? कहाँ पे घूमने चल रहे हैं? मतलब आप क्या हमारी वो तुम हाँ चलो अब आप जैसे अच्छी अच्छी बातें करते थे ना वैसी वैसी बातें करो। ये देखो ये चश्मा पेपराजी। ओह माय गॉड। अगर देखो किसी का पति बेचारा बहुत शरीफ होता है, आज उसकी पत्नी मतलब आज सुनो उसकी पत्नी इतना सुनाने के बाद भी कहती है कि तुमने मेरे लिए करा क्या, और पति बेचारा अपनी जान दे दे लेकिन पत्नी फिर भी तुमने क्या किया आज तक। तो पति करता ही कहाँ है कुछ, ऐसा क्या चाहिए? तो ये बच्चे हो जाते हैं ऐसा क्या चाहिए, ऐसा मतलब ऐसा कुछ है दुनिया में जो करना पड़ेगा? हाँ। जिससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो उसे भाई, ऐसे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ मर्सिडीज ऑडी क्या चाहिए? दिल्ली का 1 लाख शॉपिंग के लिए तब भी पेट नहीं भरेगा, लिख के दे रहा हूँ पेट नहीं भरेगा। आज 1 लाख बोलो ना कल 2 लाख। हाँ नहीं मैं 1 लाख, मैं तो खुद कहती हूँ 1 लाख रुपया दिलाने वाला हो मेरा 30 लाख रुपए पर मंथ बहुत कम है, ज्यादा होना चाहिए। हाँ ओके okay, आप अपनी वाइफ को इट मींस ज्यादा दोगे? ऑफ कोर्स 30 लाख पर मंथ कम है अगर डिमांड की बात है। मैं कह रहा हूं ना अपनी जिंदगी भी दे दोगे ना अपनी वाइफ को तब भी यही रहेगा, तुम हो कौन और करा क्या। अच्छा वो तो नहीं, वो तो मैं मिल गई, मैं जो तुम्हारे पास घर वालों को भी भेजा। पति की होती ही कहां है? अरे जिंदगी 1 मिनट, पहली बात तो ये सुनो पति पत्नी सारा दिन काम करती है, गधे की तरह झाड़ू पोछा ये वो बच्चे संभाल। ना पति तो बाहर जाके बेचारा वो आराम से खेलता है, पत्ते खेल जाता पूरे दिन, वो कभी इसकी सुन कभी उसकी सुन कभी ये काम कर कभी वो नहीं दिखता पत्नी को। बस चकला बेलन लेकर 2 रोटी क्या बोल दी आधी, 2 बर्तन मांज दिए, झाड़ू बोल दिए, मैंने बहुत काम किया, पति कुछ नहीं करता क्या? ना बाकी तो ऊपर से सारा आके काम कर देते होंगे लोग, है ना भाई? मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ पत्नी जो तुम्हारे ये कपड़ों के खर्चे हैं, जो तुम्हारे ये सब खर्चे हैं, अगर पति बाहर काम ना करे ना तो काम कैसे बोल रहे हो? ठीक है पत्नी भी कई प्रकार की होती है, ठीक है, और पत्नी सारा दिन घर का काम भी करती है, खड़े में काम करती है, और फिर भी उसको कहा जाता है अरे तुम करती क्या हो सारा दिन आराम नहीं करती क्या? मैं तो फिर भी ये बोलता हूँ कि जब रात में जाता हूँ कि सुनो 2 रोटी बना दिए मेरे लिए, ठीक है भी बना दो। तुम्हारे हाथ पैर नहीं है बनाने के लिए, तुम्हारे हाथ पैर टूट गए बना के खा लो। अरे पत्नी बोलती है, पत्नी बोलती है भाई। मैं बता रहा हूँ सीधा फंडा भाई, मैं बता रहा हूँ सीधा फंडा होता क्या, पत्नी होती है घर में बैठे बैठे रोज इरिटेट फ्रस्ट्रेट एक ही काम कर करके, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं एक काम कर करके इतना सारा काम, ऐसा नहीं होता। पत्नी ज्यादा पत्नियां ज्यादा काम करती है। हाँ मैं भी यही कहना चाहती हूँ, मैं सहमत हूँ आपके वोट से। हाँ, कि पत्नियां ज्यादा काम करती हैं, क्योंकि मेरे भी शादी नहीं हुई ना, अपने को शादी करनी है। इंसान हो जो एट लास्ट मान तो रहे पत्नी। देखो मेरी अभी शादी नहीं हुई, मैं बता रहा हूँ मेरी भी शादी नहीं हुई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ पत्नियां बहुत अच्छी होती हैं, वो घर का सारा काम करती हैं। अप्रिसिएशन भाई, घर जो है घरवाली से। अगर मैं स्त्री ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, अपने बच्चों को पालना। नहीं सारे पुआड़े की जड़ी मतलब स्त्री है, तुम्हारा कहने का मतलब ये है। नहीं देखो स्त्री देखो सलबट हुई चीजों को खोल भी देती है, पुराने चीजों को खोलने में माहिर है भाई। लेकिन पत्नी जो है पैसा जो बचाती है सिर्फ अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए, उसको अच्छा पढ़ाने के लिए, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, और अच्छी चीज हस्बैंड को पूरा करने के लिए। बाप जो कमाता है वो कुछ नहीं होता, बाप कमाता है लेकिन वो देता है पत्नी को, क्योंकि आदमी नहीं चला सकता भाई। ऐसा है, ये टॉपिक नेवर एंडिंग है। ये जो पत्नी होती है और पति होते हैं, द कॉम्बिनेशन द टू पोल्स ऑफ सोसाइटी, मेरे हिसाब से सब ठीक है जब तक मेरी शादी नहीं हुई। जो ये सामने हरी साड़ी में बैठी हुई जो ये बीवी है ना ये राहुल की, हाँ देखो कृतिका जो मेरी बीवी है वो वीडियो बना रही, इसलिए मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ कि बीवियाँ बहुत जरूरी है ना। हाँ वरना बहुत पिटता, इनसे पूछ लो भैया जी के भैया बताएंगे पत्नी होना जरूरी है कि नहीं। आपके हालात को देख के तो लगता कि नहीं होना चाहिए बेटे, शादी नहीं होने की है, बागा फिरेगा, ये सब शादी करे हुए बोल रहे हैं। वही तो तुम्हारे सबके दुखड़े सुन के मेरा मन करता कि शादी ना करूं। तेरी नौती इसकी नौती। देखो ये तो वो लड्डू है, जो खाएगा वो पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो पछताएगा। तो आदमी सोचता है खा के पछता लो, लेकिन खा के पछताने के बाद वो सिर्फ मृत्यु के करीब पहुंचता है। बिना खाए मृत्यु तो होगी आदमी की,
बिना खाए तो कम से कम एक बार जीने की पूरी तमन्ना इतना जो ना वो जब नहीं पसंद। ये गलत हो रहा है, ये गलत साइड जा रहा है, ये गलत साइड जा रहा है टॉपिक। तुम तो इसलिए बोल रहे हो ना कि तुम्हारी बीबी तुम्हारे साथ बैठी हुई है। हाँ, कौन बीबी? तुम्हारी तो शादी ही नहीं हुई। क्यों? अभी बोला ही नहीं। अभी तो कौन सी बीबी? एंगेजमेंट हुई है। और आप अभी अच्छा वहाँ तो बोल रही है एंगेजमेंट के बाद साथ फेरे तो बाकी है। हाँ। साथ फेरे मान लो। अभी जो पहाड़ों पे सैर करवाई है, दो दिन पूरा पूरा सारा काम वाम छोड़ के मैंने जो घुमाया। अरे सीरियस मत लो, सीरियस मत लो यार। अभी तक तो मैं उनकी पत्नी थी, फिर मैं तुम्हारी पत्नी हो गई, कल को पता नहीं किसकी पत्नी हो गई। अरे तुम तो चुप ही रहा था। दुश्मन लड़की लुटेरी लड़की लुटेरी दुल्हन। भैया का कहना है, कि थोड़ा सा ना वहम में जीना चाहिए इंसान को। वहम बहुत जरूरी है। तुमने जीना है वहम में, रियलिटी में? वहम कौन है भाई? वहम कौन है भाई? वहम क्या है? वहम एक पति होता है जिसके अंदर पत्नी के लिए बहुत सारे वहम पले होते हैं। वहम वो है, वो पहले मेरी पत्नी थी, अभी दीदी है। ये पहले पत्नी थी और अभी दीदी है। देखो ये तुम्हारा वहम है, आने वाली मूवी में पता नहीं क्या होगा। ये वहम है सब। वो सास भी बन सकती है। हाँ। समझ रहे, ये सब वहम है। अगली मूवी में वो आपकी माँ इसकी उंगली, एक तो इसकी उंगली नहीं दुख रही है, बता रहे कोई तो कह रहा उंगली टच करके दुख रही तुम्हारी। भाई मैं इस वीडियो का पात्र नहीं हूँ, जो भी मैंने कहा ये मैंने नहीं कहा, मुझसे बुलवाया गया जबरदस्ती। देखो ये जो वीडियो डायरेक्ट डलेगी तो मैं नहीं हूँ। कृतिका शर्मा ने लिखी हुई थी और कल्पना मौर्या जी ने, हम लोग ने तो बस एक्टिंग की है। हमने एक्टिंग की है, बाकी जो डायलॉग मैं मेरा कहने का यही मतलब है कि ये जबरदस्ती बनवाई जा रही है हमसे। अगर ये डायरेक्ट डली तो हम इसमें सिर्फ एक पात्र है।